मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस। सबसे पहले यार आप लोगों को थैंक यू, जो मैंने इलेक्ट्रिशियन वाली वीडियो बनाई थी कुवैत पे, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने वीडियो देखे, काफी अच्छे खासे कमेंट्स है उस पर। ठीक है, मैंने कई सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े जिन्होंने किए हुए कि भाई आपने उसमें रिक्वायरमेंट बताई। मैं आपको बता दूँ, वो वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए थी जो कि ITI से कोर्स कर चुके हैं इलेक्ट्रिशियन का, या फिर काम सीखे हुए इलेक्ट्रिशियन का और बेसिकली कुवैत में जॉब करना चाहते हैं। उनके लिए मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी कि जॉब करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बट कुछ लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किया हुआ है कि भाई आपने सैलरी के बारे में अच्छे तरीके से नहीं बताया कि थोड़ा इलेक्ट्रिशियन पे कितनी सैलरी मिलती है कुवैत में, इसके ऊपर डिटेल बताओ कि फ्रेशर अगर हमें अभी हमने कहीं भी काम नहीं किया या फिर हमको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए फ्रेशर पे, तो फिर कितनी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको सैलरी शेयर कर देता हूँ कि आपको एज ए इलेक्ट्रिशियन अभी के टाइम पर कितनी सैलरी मिल जाएगी। आप वो वीडियो जाकर देखो, जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर वो भी जाकर देखना, उसमें आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी, ITI से अगर आपने कोर्स किया हुआ है, काम सीखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर फटाफट देख लेना इस वीडियो के बाद। अभी बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ITI से किया हुआ है तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपको सैलरी थोड़ी कम भी मिल रही है तो एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हो कुवैत में, तो 90% चांस होता है कि आपको एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाता है। ठीक है, बट आप अगर एज ए फ्रेशर पे अप्लाई करते हो तो चांसेस कम होते हैं जॉब मिलने के, और सैलरी भी काफ़ी कम लगती है। तो अगर हम बात करें सैलरी की ऑन एन एवरेज अभी के टाइम पे, तो आप लगभग 40-45,000 रुपये एज ए फ्रेशर अर्न कर सकते हो। अगर आपको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपको काम का अच्छा नॉलेज है, तो आप एक से लगे मतलब 50-60,000 रुपये ऑन एन एवरेज आराम से अर्न कर सकते हो। तो बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।